वेलकम बैक टू गेमिंग एरर। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं यूट्यूब गेमिंग के क्वेश्चन के साथ। तो आपने कभी सोचा कि आप कितने मॉन्टेजेस या हाइलाइट्स कंपाइलेशन का पार्ट बन चुके हो? तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं क्रॉन्टन के बारे में। तो रिसेंटली क्रॉन्टन ने Q&A स्ट्रीम करी जहां उन्होंने बातें भी करी और गेम्स भी खेले, पर स्टिल मोस्ट ऑडियंस एक मेजर पॉइंट जहां अपसेट नजर आई वो था रेगुलर स्ट्रीम नहीं होने की वजह से। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं रौनक के बारे में। तो रौनक ने पबजी मोबाइल जर्नी वीडियो अपलोड करी जिसमें सोल रौनक से लेकर के फनेटिक रौनक तक का सफर हमें नजर आया, जहां पर मोस्ट ऑडियंस का ये कहना था कि ओल्ड सोल हमेशा याद रहेगी और सोल रौनक से लेके फनेटिक रौनक तक उन्होंने काफी कुछ अचीव किया है। अब बात कर लेते हैं थक के बारे में। तो थक ने बात करी है पबजी मोबाइल के बारे में, जहां उन्होंने अपने कुछ थॉट्स ये कहे कि पबजी आया और सब बदल दिया और पबजी गया सब वापस बदल दिया। वो बॉन्ड जिसमें चार लोग साथ बैठ करके बातें किया करते थे, वो फील जिसमें इंडियन गेमिंग को होप दी, गेमिंग आगे बढ़ती जाएगी लेकिन कुछ चीजें जरूर मिस होंगी, एंड काफी गेमर्स ने इन थॉट्स को रिपोस्ट किया। ऑल्सो थक ने ट्वीट किया रिगार्डिंग रिस्पेक्टिंग एवरी कंटेंट क्रिएटर। अब बात पबजी मोबाइल की हो रही है। तो पबजी मोबाइल ने रिसेंटली टोटल ऑफ 1.1 मिलियन अकाउंट्स को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है इन टर्म्स ऑफ हैकिंग, एंड एंटी चीट रिपोर्ट काफी इफेक्टिवली वर्क कर रहा है अगेंस्ट हैकर्स। अब बात कर लेते हैं राका जोन के बारे में। तो राका जोन ने यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए ये कहा कि वो लोग जिनको फेवरेट स्ट्रीमर्स या यूट्यूबर्स की रिकमेंडेशन नहीं मिल रही है वो अपने अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन मोड ऑफ कर लें। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड गेमिंग के बारे में। तो बॉलीवुड गेमिंग का फर्स्ट एवर Q&A आ चुका है जो उन्होंने अपलोड किया, जहां पर उन्होंने काफी रैंडम सवालों के जवाब दिए। और सो Q&A की बात करें तो KT ने Q&A अनाउंस किया अपने सोशल हैंडल पर। अब बात कर लेते हैं बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। तो रिसेंटली बीस्ट बॉय शुभ ने अनाउंस किया कि जब उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तो उसके बाद वो माइनक्राफ्ट की सीरीज को स्टार्ट कर देंगे, एंड इसमें अभी टाइम है कॉज करेंटली उनके 4.22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो फर्स्टली स्काउट ने कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन की फर्स्ट हाईलाइट अपलोड करी जिसकी पब्लिक में काफी डिमांड थी, जिसपे राका जोन और हॉकनेश ने रिफ्लेक्सेस को अप्रिशिएट भी किया। सेकेंडली स्काउट ने इस पे रिएक्ट करते हुए ये कहा कि उनको काफी अच्छा लगा वो गेम्स खेल करके जो वो खेलना चाहते थे, अच्छा लगा फ्रीडम पाके कि जो गेम्स वो खेलना चाहते थे वो खेल सकते हैं, एंड बुरा लगा उनके लिए जो स्लेव है गेम के। अब बात कर लेते हैं TSM एंटिटी सिड के बारे में। तो सिड ने रिसेंटली Q&A सेशन किया, एंड वहां पर एक बंदा उनसे ये पूछता है कि वो कैसे हैं, लाइक वो मेंटली कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो पिछले कुछ समय से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बिना ई-स्पोर्ट्स, बिना कॉम्पिटिटिव, बिना इवेंट की आदत नहीं है। उनको काम करना बहुत पसंद है लेकिन पिछले कुछ समय से बिल्कुल भी थ्रिल नहीं मिल रहा। वाइल्ड ड्रिफ्ट को देख करके थोड़ी इच्छा जगी थी लेकिन उसका भी सीन अभी पता नहीं है। अगले 10-15 दिन में कोई होप अगर नजर नहीं आई तो कुछ टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं डार्क टेंजेंट के बारे में। तो डार्क टेंजेंट ने अपनी जर्नी सोशली पोस्ट करी इन वन स्टोरी, एंड उनके अचीवमेंट हमें नजर आए लाइक मार्च 2019 से स्टार्ट करने के बाद ESL, Sky Esports, World Championship एंड काफी कुछ जो ऑन स्क्रीन आप पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं मॉर्टल के बारे में। तो मॉर्टल ने रिएक्ट किया एक फनी इंसिडेंट पर, एंड होता ये कि उनकी रीसेंट लाइव स्ट्रीम पर इस इमोजी को 24 के लाइक्स मिले हुए होते हैं, एंड ऐसा होने की एक वजह ये थी कि कुछ समय पहले मॉर्टल ने इमोजी पोस्ट करते हुए एक सवाल पूछा था कि ये इमोजी आखिर क्या कहता है, एंड काफी लोगों ने रिस्पॉन्स किया था कि सैड, टॉन्ट एंड और भी काफी कुछ। तो यार मुझे भी ये इमोजी थोड़ा धक-धक बढ़ा देने वाला लगता है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं जाया के बारे में। तो जाया ने GTA San Andreas स्ट्रीम करी जिस पे काफी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन अगर आप अभी सर्च करोगे तो आपको वो स्ट्रीम नहीं मिलेगी कॉज उनकी स्ट्रीम ब्लॉक हो गई है कॉपीराइट सॉन्ग प्ले होने की वजह से। तो अब बात कर लेते हैं फौजी गेम के बारे में। तो फौजी गेम कब रिलीज होगा ये एक मेजर क्वेश्चन था ऑडियंस के बीच। तो फर्स्टली अक्षय कुमार और एनकोर गेम्स ने फौजी का फर्स्ट ऑफिशियल टीजर ट्रेलर रिलीज किया है कल स्पेशल दशहरा के दिन। तो आगे आपको पूरा ट्रेलर भी दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले कुछ कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूं। फर्स्टली ये गेम बैटल रॉयल गेम स्टार्टिंग में नहीं होगा लेकिन आगे जाके इसमें बैटल रॉयल भी इंक्लूड किया जाएगा, एंड ऐसा विशाल गोंदल ने एक इंटरव्यू के समय कहा था। वो डिपेंड करेगा इस गेम के फीडबैक के ऊपर। सेकेंडली इस गेम के लॉन्च डेट की कोई भी कंफर्म डेट नहीं है लेकिन इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये दिवाली से पहले पहले या दिवाली के दिन लॉन्च होगा। अब आप ये ट्रेलर देख लो।
एनी ट्रेलर को यार देखने के बाद कुछ लोग नापसंद करने लगे, तो काफी लोग इस गेम का इंतजार नहीं कर पा रहे। एंड आपको क्या लगता है, क्या कहना है फौजी गेम के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये थी आज की सारी गेमिंग न्यूज एंड अपडेट। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने सभी गेमर्स दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रैक्स साइनिंग ऑफ।